साथियों, ईओ आरओ सीईटी और राजस्थान से संबंधित जितने भी कंपटीशन है उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान की जलवायु का जो चैप्टर है वो अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु से जितने भी क्वेश्चन जो विविध परीक्षाएं हुए हैं उसके अंतर्गत जो पूछे गए हैं उनके बारे में एमसीक्यू अपन लेके आए हैं। और 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला है और ये वही प्रश्न है जो कि विगत में जो भी परीक्षाएं हुई है उसमें पूछे जा चुके हैं। अगर अपन अब इसमें बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ये छांटना है कि कौन सा सही सुमेलित है। CWG भरतपुर, ये सही सुमेलित है कोपेन के अनुसार। उसके बाद में BWHW बाड़मेर, इसमें बाड़मेर है वो BWHW में नहीं आता है, कोपेन के अनुसार ये आता है BSHW में आता है, BSHW में आता है, BSHW में आता है। और BSHW में गंगानगर आता है, ये भी सही सुमेलित है। और डूंगरपुर है वो AW के अंतर्गत आता है। यानी कि एक तो उपार्द उपार्द के अंतर्गत वाला जो भाग है, एक तो जो बाड़मेर को इन्होंने किसके अंतर्गत शामिल किया है, अर्ध शुष्क के अंतर्गत शामिल किया है BW, और जो जो अपना है HW उसके अंतर्गत कोपेन शुष्क वाले प्रदेश को शामिल करते हैं, और अर्ध शुष्क वाले के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं, BSHW के अंतर्गत अर्ध शुष्क वाले प्रदेश को शामिल करते हैं, और अति अर्ध के अंतर्गत हाड़ौती का पठार और उदयपुर संभाग का काफी हिस्सा सम्मिलित करते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से सही हो गए? पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। तो अपने पास कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो अपने पास हो जाएगा ए सही है और सी सही है और डी सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए सी और डी, 3 नंबर अपना इसका आंसर हो जाएगा। ए सी डी, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शीतकालीन वर्षा मावठ होती है, मावठ किसके द्वारा होती है? शीतकाल सर्दियों में जो राजस्थान में वर्षा होती है दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच, वो क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। और शीतकालीन वर्षा मावठ होती है किसके द्वारा होती है? दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। ये भूमध्य सागरीय चक्रवात या भूमध्य सागर के अंतर्गत चक्रवात उठते हैं, और फिर कहाँ उठते हैं? चक्रवात कैस्पियन सागर में, और वो राजस्थान के अंतर्गत प्रभाव डालते हैं। इसको पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा राजस्थान में मावठ होती है, इसको शीतकालीन मानसून भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं, और इसको उत्तरी उत्तरी और पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। आगे अगर अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न है, 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 50 सेमी वर्षा रेखा है वो अरावली के ऊपर स्थित है, और अरावली के पश्चिम वाले जिले इसके अंतर्गत है कौन से है? ये अपन छांट सकते हैं कि दौसा है वो तो अरावली के पूर्व में है, ये नहीं हो सकता। चुरू है वो अरावली के पश्चिम में है, ये हो जाएगा एक तो, और हनुमानगढ़ भी अरावली के पश्चिम में है, ये हो जाएगा, और भीलवाड़ा है वो अरावली के पूर्व के अंतर्गत है, शामिल है डांग क्षेत्र के अंतर्गत है। तो अपने पास अरावली 50 सेमी वर्षा रेखा कहाँ कहाँ है? अरावली के ऊपर है, और अरावली के पश्चिम के अंतर्गत कौन से भाग अपने पास शामिल हो जाएगा? चूरू और हनुमानगढ़। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया? बी और सी, 3 नंबर आंसर अपना सही हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क या स्टेपी, यानी अर्ध शुष्क जलवायु वाला किसे कहते हैं? जैसे राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, उसको 2 भागों में बांटा गया, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क वाला भाग है उसको ही स्टेपी जलवायु कहते हैं। स्टेपी जलवायु का मतलब होता है जहां बड़ी छोटी छोटी प्रकार की घासें पाई जाती है, और तो राजस्थान के इस क्षेत्र के अंतर्गत औसत वर्षा होती है उसके कारण यहाँ छोटी छोटी घासें पाई जाती है। और इस ये क्षेत्र कौन सा शामिल होगा? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, और वहां की जलवायु स्वाना तुल्य मानी जाती है, और इसके अंतर्गत जालौर तो आता है आता है, परंतु ये सारे जिले सम्मिलित नहीं होंगे। पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये अर्ध शुष्क के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा शेखावटी प्रदेश इसके अंतर्गत आता है, गोडवाड़ा बेसिन इसके अंतर्गत आता है, नागौरी उच्च भूमि इसके अंतर्गत आता है, और जोधपुर का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो कौन सा उत्तर अपना सही हो जाएगा? पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, ये वाला भी आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये वाला प्रदेश भी बी वैसे मतलब, परंतु बीकानेर इसके अंतर्गत अर्ध शुष्क के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, बाकी गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ भाग है अर्ध शुष्क के अंतर्गत शामिल होता है। बीकानेर का भाग शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में एनबी पीजीआर केंद्र कहाँ है? ये वायुमंडल से जो रिलेटेड केंद्र है ये राजस्थान में कहां पर है? तो ये राजस्थान के अंतर्गत है, जोधपुर के अंतर्गत शामिल है। काजरी और आफरी भी वही है और ये जोधपुर के अंतर्गत ही शामिल है, जिसमें मौसम के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? झालावाड़ और बांसवाड़ा, ये झालावाड़ किसके अंतर्गत आता है? दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के अंतर्गत आता है और हाड़ौती में 90 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसलिए आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। और बांसवाड़ा यानी और जो अपना संभाग है उदयपुर संभाग का अधिकतर हिस्सा अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो ये किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा? झालावाड़ और बांसवाड़ा किसमें हो जाएगा? अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? अगर धूल भरी आंधियों की बात करते हैं तो सबसे धूल भरी आंधियां सेवनीय क्रियाओं के कारण चलती है, धरातल पर सेवनीय क्रिया होती है और उससे क्या है कि धूल भरी आंधियां चलती है। और ये सबसे अधिक कहां पर चलती है? गंगानगर में चलती है। अगर गंगानगर में बात करें तो ये 27 दिन चलती है और दूसरा स्थान इसका आता है बीकानेर का, और बीकानेर में ये 18 दिन चलती है। सेकंड में आ जाएगा बीकानेर और ये बीकानेर में 18 दिन चलती है। ये अपने को ध्यान रखना है कि जब लू आती है तो तापमान बढ़ता है और जब आंधी आती है तो तापमान घटाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन से जिले का समूह राजस्थान में उपार्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? उपार्द्र, उपार्द्र का मतलब हो गया सेमी आर्द्र या उपार्द्र समशीतोष्ण जिसको कह सकते हैं, आर्द्र भी है और उपार्द्र के अंतर्गत शामिल होता है। उपार्द्र के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल होता है तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि उपार्द्र वाला जलवायु है वो राजस्थान में सबसे पहले जो है शुष्क वाला भाग हो गया और उसके बाद में अर्ध शुष्क और उसके बाद में उपार्द्र फिर आर्द्र फिर अति आर्द्र वाला भाग है। तो जो राजस्थान की है जो 50 सेमी वर्षा रेखा है वो शामिल होती है उपार्द्र के अंतर्गत। और पूरा का पूरा अरावली वाला भाग किसके अंतर्गत आता है? उपार्द्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें अरावली के जिले कौन कौन से हो गए? जयपुर हो गया, अजमेर हो गया और अलवर हो गया। तो राजस्थान उपार्द्र क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होते हैं? इसमें जयपुर, अजमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और सवाईमाधोपुर आर्द्र में शामिल होते हैं। कोटा, बारा, झालावाड़ अति आर्द्र में शामिल होते हैं। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ का भाग भी अति आर्द्र में सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है, किस जलवायु प्रदेश में स्वाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? स्वाना वनस्पति जहां पर 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है वहां पर पाई जाती है, यानी 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां स्वाना वनस्पति पाई जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत कोपेन क्या है? कोपेन है वो जो है वो AW के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? अति आर्द्र प्रदेश को सम्मिलित करते हैं। और फिर अति आर्द्र के अंतर्गत अपने पास कौन से जिले शामिल हो जाते हैं? पूरा का पूरा हाड़ौती प्रदेश और उदयपुर संभाग सम्मिलित हो जाता है। तो किस प्रदेश जलवायु प्रदेश में स्वाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? AW प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण 3 आधार पर किया है, वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर। तो ये क्या है कि इस क्षेत्र की जो है वनस्पति वो किस प्रकार की है? स्वाना तुल्य वनस्पति है। और BSHW की है वो स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। BWHW की वनस्पति है वो किस प्रकार की? मरुद्भिद वनस्पति है इसकी, मरुद्भिद जिसको जीरो फाइटा वनस्पति कहते हैं। और CWG की है वो वनस्पति मानसूनी पतझड़ी प्रकार की है। CWG की वनस्पति किस प्रकार की है? मानसूनी पतझड़ी प्रकार के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि 4 जो लिए है वो तापमान और वर्षा तो नॉर्मल बात है, सबके समझ में आ रही है, और उन्होंने एक वनस्पति को भी आधार बनाया। तो अपने को चारों की चारों वनस्पति ध्यान में रखनी है कि AW के अंतर्गत है स्वाना प्रकार की, BSHW में स्टेपी प्रकार की, BWHW में मरुद्भिद जीरो फाइटा प्रकार की और CWG में मानसूनी पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला राजस्थान में कहां पर है? भारतीय मौसम विज्ञान की जो वेधशाला है वो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में स्थित है। ये प्रश्न ध्यान में रखने वाला है, मौसम विज्ञान की वेधशाला है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण क्या है? यानी राजस्थान में मरुस्थलीकरण किस कारण हो रहा है? बड़े पैमाने पर खनन कार्य ये इसका मेन कारण नहीं है। वाष्प उत्सर्जन की उच्च दर ये भी मेन कारण नहीं है। अरावली पर्वत की उच्च ऊंचाइयां ये भी मेन कारण है। अनियंत्रित पशुचारण के कारण क्या है कि मरुस्थलीकरण का सर्वप्रथम कारण है, क्योंकि पशु क्या है कि जैसे भेड़ बकरियां होती है वो क्या है भी कोई भी पौधे या घास उगता है उसको एकदम जड़ तक खा जाते हैं
और फिर क्या है कि उससे क्या है कि वो मिट्टी का जो कटाव है वो बढ़ता है, तो अनियंत्रित जो पशु चारण है वो मरुस्थलीकरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार राजस्थान में जलवायु कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, यानी शुष्क और मरुस्थलीय, शुष्क और मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत कौन सा शामिल होता है, बीडब्ल्यू और एचडब्ल्यू शामिल होता है, बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू चार नंबर इसमें हो जाएगा, बीडब्ल्यू और एचडब्ल्यू सम्मिलित होता है। बीएसएचडब्ल्यू के अंतर्गत अर्ध शुष्क भाग सम्मिलित होता है, बीएसएच के अंतर्गत अर्ध शुष्क भाग सम्मिलित होता है, सीडब्ल्यूजी के अंतर्गत अर्ध भाग सम्मिलित होता है, और एडब्ल्यू के अंतर्गत अति अर्ध भाग सम्मिलित होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती है तो वहां पर कौन सा सूखा होता है, मौसम के कारण हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा सूखा हो गया, मौसमी सूखा हो गया, वर्षा है वो 75% कम हो रही है, जो वर्षा होती है वो 75% कम हो रही है, इसका मतलब कौन सा सूखा हो गया, मौसमी सूखा इसके अंतर्गत समझ लो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा ए। सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम होता है तो मौसमी सूखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी की स्थापना 1959 में कहां पर की गई, ये जोधपुर में की गई थी, और किसके लिए की गई थी, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, मरुस्थल विस्तार को नियंत्रित करने के लिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में एडब्ल्यू प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है। एडब्ल्यू के अंतर्गत मैंने बताया था कि उदयपुर संभाग का राजसमंद जिले को छोड़ दो और चित्तौड़गढ़ को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे जिले किसके अंतर्गत आते हैं, एडब्ल्यू प्रकार में आते हैं। और कोटा संभाग के अंतर्गत अगर हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में बूंदी को बाहर निकाल दो, उसके बाद में कोटा बारा और झालावाड़ एडब्ल्यू प्रकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत कौन सा भाग सम्मिलित हो जाएगा, अगर इसके अंतर्गत बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हो जाएगा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिण के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, उदयपुर संभाग, और दक्षिणी दक्षिणी और पूर्वी के अंतर्गत कोटा संभाग सम्मिलित हो जाएगा। तो एडब्ल्यू प्रकार के जलवायु के अंतर्गत कौन सा भाग सम्मिलित हो जाता है, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, मानव जनित कारण कौन सा नहीं है मरुस्थलीकरण का, मरुस्थलीकरण में जो है जैसे अपना है सबसे पहले अतिचारण में भी मनुष्य अपनी भागीदारी निभाता है, भूमि उपयोग में परिवर्तन में भी मनुष्य अपनी भागीदारी निभाता है, नगरीकरण में भी मनुष्य अपनी भागीदारी निभाता है, अल्पकालीन वर्षा वो प्रकृति कारण है, तो मरुस्थलीकरण का इसमें से प्रकृति कारण कौन सा हो जाएगा, अल्पकालीन वर्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये अपने बताया था कि उदयपुर संभाग के अंतर्गत राजसमंद और चित्तौड़गढ़ को बाहर निकाल दो पूरा उदयपुर संभाग, और कोटा संभाग के अंतर्गत है आप बूंदी को बाहर निकाल दो, बाकी सब एडब्ल्यू प्रकार में आता है, तो बांसवाड़ा और झालावाड़ किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, एडब्ल्यू प्रकार के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, और अलवर और भरतपुर सीडब्ल्यू जी में सम्मिलित हो जाएगा, सीकर और नागौर किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, बीएसएचडब्ल्यू में सम्मिलित हो जाएगा, और बीकानेर है वो बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू में शामिल होता है, और हनुमानगढ़ बीएसएचडब्ल्यू में सम्मिलित होगा। ये जिलों से क्वेश्चन सारे, ये तो जिले याद करने पड़ेंगे, कोपेन का और सबका है वो जिले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ रेखाएं याद करनी है, रेखाओं से आप अपने आप पता लगा लोगे कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, जैसलमेर है, इस ऑप्शन के अनुसार में जैसलमेर सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी जो राजस्थान में जो मानसून है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है, तो गर्मियों के समय में या वर्षा ऋतु में जो बरसात होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जो मानसून जो भारत में आता है और जो राजस्थान में आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। तो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है, जून से लेकर के सितंबर तक होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध, प्रयाण का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रक्रिया का मतलब जारी रहना, तो राजस्थान में मरुस्थल का आगे बढ़ने का संबंध किससे, मरुस्थल का प्रयाण का मतलब क्या हुआ, मरुस्थल का विस्तार हो गया, तो इसमें राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध किससे हो गया, मरुस्थल का विस्तार, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीन नंबर।
मरुस्थल में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो तो मावठ कहलाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले से संभावित है वो है। ये एक संबंध है कि वायु दाब और तापमान का उल्टा संबंध होता है। जैसे तापमान अधिक है तो वायु दाब निम्न होगा। तो जून माह में सबसे ज्यादा तापमान कहां पर होता है? जैसलमेर में होता है। तो न्यूनतम वायु दाब भी कहां होगा? जैसलमेर में होगा। तो न्यूनतम वायु दाब 997 मिलीबार लगभग होता है। तो यह जैसलमेर में कम दाब का उस समय जून के अंतर्गत राजस्थान में केंद्र बनता है, इसलिए यह क्या है कि मानसून को आकर्षित करता है और यह मानसून आता है। यह भी एक कारण है, मानसून को न्यूनता देता है निम्न वायु दाब, क्योंकि वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? अति आर्द्र के अंतर्गत आपने बताया था ना कि कोटा संभाग में से बूंदी निकालना है और उसके बाद में सारे के सारे जिले, तो कोटा संभाग का बूंदी को निकालने के बाद जिला अपने पास कौन सा बचता है? 12 बचता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 12। 12 झालावाड़ और कोटा अति आर्द्र के अंतर्गत आता है, और वहां कौन सा आता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ अति आर्द्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? बाड़मेर और झुंझुनू को कोपेन क्या है कि अर्ध शुष्क जलवायु में शामिल करते हैं। तो अर्ध शुष्क वाला जलवायु है वो कोपेन का किस प्रकार का है? बीएसएचडब्ल्यू के अंतर्गत शामिल करते हैं। बीएसएचडब्ल्यू में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को सम्मिलित करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, थार्नवेट के अनुसार जैसलमेर किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो थार्नवेट है वो 4-5 प्रकार की जलवायु ए बी सी डी में बांटता है, और राजस्थान के अंतर्गत वो आर्द्र और अति आर्द्र को सम्मिलित नहीं करता है, शुष्क। तो शुष्क में सबसे पहले वो किसको शामिल करता है? ई ए डब्ल्यू को सम्मिलित करता है। तो जैसलमेर किसके अंतर्गत आता है? शुष्क में आता है। जैसलमेर का पूरा हिस्सा और बीकानेर का थोड़ा सा भाग ई ए डब्ल्यू के अंतर्गत आता है, और डी बी डब्ल्यू के अंतर्गत पूरा बीकानेर संभाग आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। थार्नवेट है वो डी बी डब्ल्यू है, उसके अंतर्गत पूरा बीकानेर संभाग को सम्मिलित करते हैं, और डी ए डब्ल्यू के अंतर्गत पूरे राजस्थान को सम्मिलित करते हैं, और सी ए डब्ल्यू के अंतर्गत आर्द्रवाड़ा भाग है वो सम्मिलित करते हैं, जिसके अंतर्गत कोटा संभाग को अगर बूंदी निकाल दे और उदयपुर संभाग के अंतर्गत से राजसमंद और चित्तौड़गढ़ निकाल दे तो वो सी ए डब्ल्यू के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये थार्नवेट का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए डब्ल्यू में बांसवाड़ा आता है, सही है, कोपेन का वर्गीकरण है ये। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में बाड़मेर नहीं आता है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, और गंगानगर हनुमानगढ़ आते हैं, परंतु बाड़मेर नहीं आता है कोपेन के अनुसार। तो ये अपना गलत हो जाएगा। बी एस एच डब्ल्यू में पाली आता है, सही है। सी डब्ल्यू जी में टोंक आता है, बाकी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दो नंबर ऑप्शन अपना सुमेलित नहीं है, दो नंबर ऑप्शन अपना सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, कोपेन के ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा है? अति आर्द्र वाले जिले कौन से इसमें अंतर्गत शामिल हो जाएगा? झालावाड़ और बांसवाड़ा। अलवर और भरतपुर सी डब्ल्यू जी में आते हैं, राजसमंद नहीं आता है ए डब्ल्यू में, उदयपुर ए डब्ल्यू में आता है कुछ हिस्सा, स्वाईमाधोपुर और करौली है वो सी डब्ल्यू जी में आते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र कहाँ होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में कम दाब का क्षेत्र कहाँ पर बनता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बनता है, जैसलमेर के अंतर्गत बनता है, और जैसलमेर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल की रोकथाम के लिए क्या उपयोगी है? मरुस्थल के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? मृदा का संरक्षण करना चाहिए, यह भी सही है। अतिचारण पर नियंत्रण करना चाहिए, यह भी सही है। वनोन्मूलन पर नियंत्रण करना चाहिए, यह भी सही है। तो ये सभी हो जाएंगे। तो मरुस्थल के रोकथाम के लिए मृदा संरक्षण, अतिचारण पर नियंत्रण और वनोन्मूलन तीनों उपाय किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र? अरब सागर शाखा क्या है? राजस्थान में मानसून की दो शाखा आती है, एक तो राजस्थान में पूरे भारत में जो मानसून की वो दो शाखा बढ़ती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो राजस्थान में पहुंचती है, वो उत्तरी पश्चिमी विशाल मैदान वाली शाखा यहां पर पहुंचती है, उत्तर के विशाल मैदान की शाखा पहुंचती है। और अरब सागर का मानसून है वो यहाँ की हिमाचल शाखा यहां से निकलती है। तो कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो हिमाचल शाखा से राजस्थान के अंतर्गत वर्षा कहाँ होता है, करती है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत। कौन सा भाग सम्मिलित हो जाएगा इसमें? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र,
दक्षिण में भी वर्षा करती है और दक्षिणी पूर्व में भी करती है। और सिरोही के अंतर्गत क्या है कि ये तो क्षेत्र बांसवाड़ा के अंतर्गत ये उत्तर के विशाल मैदान की शाखा और हिमाचल की शाखा दोनों मिलती है, अरब सागर वाली शाखा के अंतर्गत है, दोनों मिलती है तो यहां अधिक वर्षा करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है, यानी सबसे कम वर्षा की परिवर्तनशीलता कहां है, यानी समान वर्षा रेगुलर वहां वर्षा होती रहती है। तो राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी भाग है, वहां पर वर्षा रेगुलर 100 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, तो यहां पर वर्षा में परिवर्तन नहीं आता है। अति आर्द्र क्षेत्र वाला है, वहां पर वर्षा में परिवर्तनशीलता नहीं आती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा कब होता है, भयंकर सूखा किस कारण होता है, यानी जब वर्षा में कितने प्रतिशत कमी होती है तब भयंकर सूखा होता है, जब वर्षा में 50% से अधिक कमी होती है तब भयंकर सूखा होता है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 3 नंबर, 50% से अधिक कमी होती है। किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक रहती है, तो राजस्थान में किस में सूखे की संभावना सर्वाधिक रहती है, तो ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, चूरू में सबसे कम वर्षा होती है, बीकानेर में भी कम होती है, जोधपुर और बाड़मेर में भी सबसे कम होती है। तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे अधिक सूखे की संभावना कहां पर बनी रहती है, चूरू बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर में बनी रहती है। दूसरा नंबर गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ चूरू भी हो सकता है, पर पहला नंबर किसका है, चूरू बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, यानी मरुस्थलीकरण के कारण में कौन सा शामिल है, नहीं है। वर्षा की मात्रा में कमी होती है तो मरुस्थलीकरण होता है, यह भी सही है। कौन सा कारण नहीं है वो छांटना है। अतिचारण से भी मरुस्थलीकरण होता है, यह भी सही है। अतिचारण से 3 नंबर भी सही है, इस कारण भी होता है। भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन से भी मरुस्थलीकरण होता है, यह भी सही है। नगरीकरण के अंतर्गत ज्यादा बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, अगर बालुका स्तूपों को रोकते हैं तो वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ये तो मरुस्थलीकरण को कंट्रोल करने वाला कारण है, ये बढ़ाता नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है, सबसे कम दैनिक तापांतर है वो राजस्थान में जुलाई और अगस्त में, जब वर्षा का काल होता है उसमें सबसे कम दैनिक तापांतर होता है, तो कौन सा महीने होंगे जिसके अंतर्गत न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है, जुलाई और अगस्त में। कोपेन के अनुसार AW जलवायु कहां नहीं पाई जाती है, तो अपने को बताया था भाई, बांसवाड़ा के अंतर्गत पाई जाती है, झालावाड़ के अंतर्गत पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है, कोटा संभाग का एक जिला है वहां पर AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, वो है बूंदी, और बूंदी में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी का मतलब हो गया अर्ध शुष्क भाग, अर्ध शुष्क के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, अरावली के पश्चिम शुष्क पेटी के बीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, अर्ध शुष्क में कौन सा भाग सम्मिलित होता है, अरावली और पश्चिम शुष्क पेटी के बीच, पश्चिम की जो है वो शुष्क पेटी जैसलमेर से, जैसलमेर और अरावली के बीच वाला भाग है, उसमें क्या पाया जाता है, स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है राजस्थान में, सबसे अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या कहां पर पाई जाती है, ज्यादातर वर्षा के दिन कहां पर पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा झालावाड़ कोटा और बारा, यहां पर सबसे अधिक वर्षा के दिनों की संख्या पाई जाती है। सिरोही में 40 है, झालावाड़ में 40 है और बांसवाड़ा में 38 है वर्षा के दिनों की संख्या, तो वर्षा दिनों की संख्या झालावाड़ कोटा और 12 हो जाएगा अति आर्द्र वाला प्रदेश। अगला प्रश्न है, त्रिकाल का संबंध किसमें है, यानी त्रिकाल किसे कहते हैं, जब चारा भी नहीं होता है पशुओं के लिए, भोजन भी नहीं होता है और जल भी नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, त्रिकाल कहलाता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर, चारा भोजन और जल की कमी त्रिकाल का संबंध है। अगला प्रश्न है, मई जून में धूल भरी आंधियों के लिए क्या चीज उत्तरदायी है, तो धूल भरी आंधियां जो मई जून में आते हैं उसके लिए क्या चीज उत्तरदायी है, तो इसके लिए क्या उत्तरदायी हो जाएगा, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, धूल भरी आंधियां किसके कारण चलती है, संवहनीय धाराओं के कारण ही चलती है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून का समय क्या होता है, अक्टूबर और दिसंबर में मानसून लौट जाता है, राजस्थान में लौटते मानसून का समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है, वो छांटना है जो कारण उत्तरदायी नहीं है, मानसून की अरब सागर की शाखा, ये तो वर्षा का कारण उत्तरदायी है, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी यहाँ वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है, परंतु लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान
की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। राजस्थान की जलवायु को आधारभूत तत्व क्या है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? राजस्थान समुद्र से ज्यादा दूरी पर है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा? समुद्र से दूरी। इसलिए राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीयता पाई जाती है। तो ये कम से कम 255-60 किलोमीटर दूर पड़ता है। बंगाल की खाड़ी यहां से 1600 किलोमीटर है, अरब सागर यहां से 400 किलोमीटर दूर है, तो ये खंबात की खाड़ी और ये थोड़ा नजदीक पड़ता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 43 नंबर राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु की दशा के संबंध में दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तापमान और वर्षा की चरम सीमा से युक्त है। तापमान और वर्षा की चरम सीमा नहीं है, तापमान की चरम सीमा है पर वर्षा की चरम सीमा नहीं है, तो ये कथन तो सत्य नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। राज्य की जलवायु उष्ण प्रकार की है, राज्य की जलवायु उष्ण प्रकार की है, यह कथन भी सत्य नहीं है, यहां की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है। वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, यह भी गलत है। वर्षा की मात्रा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर नहीं बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, यह भी गलत है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की, यह सही है। राजस्थान की जलवायु है वो उपोषण प्रकार की मानी जाती है, तो राज्य की जलवायु क्या हो जाएगी? उष्ण और आर्द्र प्रकार की, यह कथन सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से कथन सत्य है? सत्य उनको छांटना है। राजस्थान जलवायु में तापमान और वर्षा की अतिशयता है, यह तो सही नहीं है। राजस्थान की जलवायु में तापमान और वर्षा की अतिशयता नहीं है, तापमान की अतिशयता है पर वर्षा की नहीं है, तो यह तो सत्य नहीं है। गत वर्षों में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, ये बात सही है कि राजस्थान में गत वर्षों में वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। और पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, यह भी सही है कि इस कारण यहां पर वर्षा कम हो पाती है, यह भी सही हो जाएगा। 3 नंबर भी सही हो जाएगा। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोषण कटिबंध में स्थित है, यह भी सही हो जाएगा। तो 2, 3 और 4 जो है अपने पास कथन सत्य हो जाएंगे। सत्य कृष्ण छांट ले तो 2, 3 और 4 जो कथन है वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान में अल्प वर्षा का एक कौन सा कारण नहीं है? राजस्थान में अल्प वर्षा का कौन सा कारण सम्मिलित नहीं है? अरावली की स्थिति वर्षा को प्रभावित करती है, यह भी सही है। वृष्टि छाया प्रदेश में स्थिति मानसून आगमन, यह भी सही है। और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, यह भी सही है। नहीं, यह गलत है। ग्रीष्म काल में उच्च दाब नहीं होता है, ग्रीष्म काल में वायु दाब न्यूनतम होता है, तो यह वाला कारण है सही नहीं होगा। समय अति उष्णता, यहां पर अत्यधिक ज्यादा उष्णता रहती है, ये भी सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, जबकि ग्रीष्म काल में वायु दाब निम्न होता है, जब तापमान बढ़ता है तो वायु दाब गिरता है। अगला प्रश्न हो जाएगा जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान किस में स्थित है? उपोषण कटिबंध में स्थित है, थोड़ा सा भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा का उष्ण कटिबंध के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहां पर होती है? तो भूमध्य सागरीय और कैस्पियन सागर में इसकी उत्पत्ति होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है उनकी विक्षोभों की उत्पत्ति कहां पर होती है? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में होता है, इसीलिए इनको भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं और पश्चिमी विक्षोभ भी इनको कहते हैं, उत्तरी पश्चिमी मानसून भी इसको कहते हैं, शीतकालीन मानसून भी इसको कहते हैं, जेट स्ट्रीम का भी इसमें प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? यानी वार्षिक वर्षा है, वर्षा के अंतर्गत सर्वाधिक ऊपर नीचे कहां पर होता रहता है? जैसलमेर के अंतर्गत होता रहता है, यानी वर्षा का विचलन सबसे अधिक कहां पर है? जैसलमेर जिले में है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? वर्षा की मात्रा किस दिशा में वृद्धि होती है? तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की तरफ जाते हैं तो वर्षा बढ़ती चली जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जाते हैं जो वर्षा बढ़ती चली जाएगी। अगला प्रश्न है
राजस्थान में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और कर्क रेखा पर स्थित जिला अपने पास कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है। डूंगरपुर का तो थोड़ा सा बिल्कुल हिस्सा आता है, 1 किलोमीटर ही आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। तो ये अपने 50 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे जो विगत परीक्षा प्रश्नों में आ चुके हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।